नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनू टेक। दोस्तों आज मैं वाटर टैंक में ये फ्लोट सेंसर वाल्व इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। दोस्तों इसको इंस्टॉल करने से जो आपका वाटर मोटर है वो ऑटोमेटिक काम करेगा। जैसे ही आपका टैंक फुल होगा ये जो है मोटर को ऑफ कर देगा, और फिर जैसे ही टैंक खाली होगा तो ये मोटर को ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देगा। मोटर को आपको स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ऑपरेट करेगा उसको। तो दोस्तों जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा शुरू से लास्ट तक। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए, इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों ये जो फ्लोट सेंसर वाल्व दिखाई दे रहा है इसको आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, काफी सस्ता मिल जाता है, ज्यादा महंगा नहीं है। और इसका इंस्टॉलेशन किसी भी इलेक्ट्रीशियन को बुला के आप करवा सकते हैं, या फिर अगर आप वीडियो को पूरा बारीकी से देखेंगे तो भी अपने हाथ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो है दोस्तों काफी अच्छी क्वालिटी का है। ये देखिए ये जो है पूरा वाटर प्रूफिंग होता है, इसके अंदर पानी नहीं जाता है। और ये जो है इसको इस डायरेक्शन में लगाया जाता है। ये जो दिखाई दे रहा है दोस्तों ये इसका वेट है, इसके अंदर पत्थर की छोटी छोटी गोलियां डाली गई हैं ताकि ये जो है वेट हो सके, यानी वजन हो सके। ये देखिए इस तरह से इसका वेट है, जब ये वेट रहेगा तभी इसको ये काम करवाएगा इस तरह से। जब ये ऊपर होगा दोस्तों तो आपका मोटर जो है ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही ये नीचे जाएगा तो आपका मोटर दोबारा से ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें तीन वायर दिखाई दे रहा है इसके अंदर। ये देखिए एक जो है येलो कलर का है, एक ब्लू कलर का है, एक रेड कलर का है। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला है दोस्तों ये कॉमन है, और ये जो रेड वाला है ये एनसी टर्मिनल है, और ये जो येलो वाला है दोस्तों ये एनओ टर्मिनल है। तो इसको जो है दोस्तों आप दो तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे आप एनसी में चलाइए चाहे आप एनओ में चलाइए। लेकिन दोस्तों अभी इसको मैं टैंक में इंस्टॉल करूंगा, और मैं चाहता हूं कि जब मेरा टैंक फुल हो जाए तो मोटर अब ऑटोमेटिक बंद हो जाए और टैंक ओवरफ्लो ना हो। तो इसके लिए दोस्तों मैं इसको इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, जब मेरा टैंक फुल होगा तो ये धीरे धीरे इस तरह से ऊपर आएगा, और जैसे ही जब ये इस तरह से ऊपर आएगा तो मोटर बंद हो जाएगा, और फिर जब पानी खाली होगा दोस्तों तो इस तरह से थोड़ा धीरे धीरे नीचे जाएगा। ठीक है, उसके बाद मोटर ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है दोस्तों, और इसमें वाटर लेवल आप सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके टैंक का पानी जब उसमें 300 लीटर रह जाए तो मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं, यहाँ से इसको कम ज्यादा करके। ये देखिए ये कम ज्यादा हो रहा है इस तरह से। मैं भी इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है। तो अभी चलिए दोस्तों इसका मैं पूरा प्रैक्टिकल करके इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 500 लीटर का टैंक दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर मैं फ्लोट सेंसर वाल्व को लगाऊंगा। लगाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले दो वायर खींच लेना है। ये देखिए यहाँ पे मैं दो वायर खींचा हूँ, और ये वायर जो है दोस्तों 0.75 mm का है, यानी 0.25 mm का। ठीक है, अगर आपके पास आधा HP या 1 HP का मोटर है तो उसके लिए ये काफ़ी है 0.75 mm का। और अगर दूरी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, काफ़ी हाइट पे टैंक है, टैंक अगर आपका 40 फीट के ऊपर है तो वहाँ पे दोस्तों आप 1.5 mm का वायर लगा सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे ये टैंक जो है ज़्यादा हाइट पे नहीं है, यहाँ पे 25 फीट की हाइट पे है, तो इसलिए इसमें मैं 0.75 mm का वायर लगाया हूँ। चलिए मैं नीचे दिखाता हूँ मोटर में कनेक्शन कैसे होता है इसका। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बोर्ड दिखाई दे रहा है, और इसके नीचे यहाँ पे मोटर है। ठीक है, तो यहीं पे मैं वायर खींच के लाया हूँ। ये देखिए ये जो दो वायर दिखाई दे रहा है जिसको मैं टैंक पे ले गया हूँ, 0.75 mm का है, तो इसको मैं अभी मोटर में कनेक्ट करूँगा। तो दोस्तों ये मोटर हो गया, और यहाँ पे एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैं एक 2-way स्विच लगा दिया हूँ अभी। ये देखिए ये 2-way स्विच इसलिए लगाया हूँ ताकि मैं अपने फ्लोट सेंसर वाल्व को ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में रख सकूँ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब टैंक फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है मोटर ये बंद हो जाएगा। ठीक है, और अगर क्लाइंट्स को फिर मोटर को चलाना हुआ तो इसलिए मैं यहाँ पे 2-way स्विच दिया हूँ ताकि इसको मैनुअल भी बनाया जा सके। अगर जब टैंक फुल हो जाएगा तो मोटर बंद हो जाएगा, उसके बाद क्लाइंट अगर चलाना चाहते हैं तो इस स्विच से ऑपरेट करके उसको मैनुअल में चला सकते हैं। अभी मैं इसमें यहाँ पे मार्किंग कर दूंगा ऑटो में और मैनुअल में। ठीक है, ऑटो में करके छोड़ देंगे तो ये ऑटो में काम करता रहेगा, मोटर को ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और अगर टैंक फुल है दोबारा उसको ऑन करना चाहते हैं तो मैनुअल में करेंगे तो चालू हो जाएगा मोटर। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए टैंक में मैं वाटर लेवल को सेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसका कनेक्शन करके दिखाऊंगा ऑटो और मैनुअल इसमें कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों ये वाटर टैंक है, और इसमें इसको इंस्टॉल करने से पहले बाहर इसका लेवल कर लेना चाहिए कि आपको कहाँ तक भरना है। ठीक है, और ये जो है दोस्तों ये लेवल को एडजस्ट करने वाला है, इसको ऊपर नीचे करके लेवल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से लेवल करूँगा। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि मेरा टैंक जब यहाँ तक पानी रहे इसके अंदर,
इतना पानी इसके अंदर रहे तभी मेरा मोटर जो है ऑन हो जाए। ठीक है, आप देखिए इस डायरेक्शन में अगर यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ तो जब ये टैंक फुल होगा धीरे धीरे तो ये इस तरह से ऊपर आएगा। ये देखिए अभी लेवल इसका ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर लूँगा। अभी दोस्तों यहाँ पे ये सही है, इतने पे मैं इसको सेट करूँगा और आप इसको जो है इसके अंदर भी लेवल इसको सेट कर सकते हैं मोटर को ऑन ऑफ करके। ठीक है दोस्तों, इसको सेट करने के लिए यहाँ पे गांठ लगा लेना है ताकि ये ऊपर नीचे ना हो। देखिए अभी यहाँ पे एक गांठ लग गया इस तरह से। अब इसको मैं टैंक में डालूंगा, टैंक में डालने के बाद इसके ऊपर भी एक गांठ लगा देना है ताकि ये ऊपर नीचे इस तरह से ना हो। अब चलिए दोस्तों इसको मैं टैंक के अंदर डालता हूँ। तो इसको इस तरह से इसमें डाल देना है और ये गांठ इस तरह से लगा देना है। और अभी इस वायर को दोस्तों चाहे तो आप टैंक को होल करके भी निकाल सकते हैं, ढक्कन के ऊपर से भी निकाल सकते हैं या फिर कहीं साइड में भी होल करके निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये जो ओवरफ्लो पाइप है इसके अंदर से ही वायर को निकाल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों इसको मैं अंदर डाल दिया हूँ टंकी के, ये देखिए। और इस वायर को दोस्तों ये जो ओवरफ्लो वाला पाइप है इसके ऊपर से यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से बाहर निकाल लिया हूँ इसको। ठीक है, तो चलिए इसको मैं लेवल सेट कर देता हूँ। तो अभी तो ये काफी नीचे है तो इसको इस तरह से ऊपर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैं लिया हूँ। अभी इस डायरेक्शन में मोटर मेरा ऑन रहेगा, इतना पानी है इसके अंदर और जैसे ही ये पानी फुल होगा धीरे धीरे ऊपर आएगा। तो देखिए ये इस तरह से ऊपर आएगा, देखिए यहाँ तक आ रहा है मेरा, यानी कि ओवरफ्लो वाला पाइप ये है यहाँ पे और यहाँ तक पानी आएगा तभी ये बंद हो जाएगा। और लेवल को आप दोस्तों मोटर को ऑन ऑफ करके सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो एक गांठ मैं यहाँ पे लगाऊंगा ताकि ये वायर अंदर ना खींचे और एक जो है इसके अंदर भी यहाँ पे लगाऊंगा मैं यहाँ पे ताकि ये वायर बाहर भी ना जाए। ठीक है, नहीं तो लेवल खराब हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से लगा लेना और अब ये जो है दोस्तों इस तरह से ऊपर नहीं खींचेगा। ठीक है, अभी इसको जो है पानी ऑन करके लेवल को सेट करना पड़ेगा। अभी फिलहाल यहाँ पे ये जो है कट ऑफ हो रहा है तो इसको मैं यहाँ पे रोका हूँ और एक गांठ इधर बाहर लगा देना है। ये देखिए अब ना तो ये अंदर खींचेगा और ना ही ये बाहर खींचेगा। तो अभी दोस्तों चलिए इसका मैं अब कनेक्शन करके बताता हूँ कैसे इसका कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ इसमें तीन वायर होता है, दो होता है NONC और एक कॉमन होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको ये जो रेड वाला वायर है इसको इस तरह से रोक लेना है। ठीक है, बाकी सिर्फ ये दो वायर लेना है। इसका डायग्राम भी मैं बना के दूंगा दोस्तों कि इसका कनेक्शन कैसे होता है। अगर समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इसका डायग्राम भी मैं दूंगा, डायग्राम में आसानी से समझ पाएंगे। ये जो दो वायर आ रहा है दोस्तों ये नीचे से आ रहा है मोटर में, जहाँ पे मैं पहले दिखाया हूँ 2A स्विच वाला, ऑटो वाला और मैनुअल वाला बनाया हूँ मैं। ठीक है, तो इसको दोनों को इस तरह से जोड़ देना है। अगर आप मैनुअल में नहीं चलाना चाहते हैं सिर्फ ऑटो में चलाना चाहते हैं तो भी ये दो वायर को इसमें जोड़ देना है, और अगर मैनुअल या ऑटो में चलाते हैं तो भी इसको इसमें ही लगाना है। मैनुअल और ऑटो नीचे से चेंज हो जाएगा 2A स्विच लगा के। तो यहाँ पे दोनों को इस तरह से जोड़ लेना है। ये देखिए एक वायर को मैं कॉमन में डाल दिया हूँ, ये ब्लू वाला कॉमन है, और एक को इस तरह से इसमें लगा लेना है। और ये जो रेड वाला है इसको खाली छोड़ देना है। हर सेंसर में दोस्तों कलर वाइज वायर चेंज होता रहता है तो आप उसको कंटिन्यूटी से चेक कर लीजिएगा किस पे जो है NO बन रहा है और किस पे जो है NC बन रहा है। ठीक है, ये देखिए ये अभी इसमें लग चुका है। और अब चलिए मैं नीचे चलता हूँ दोस्तों, वहाँ पे 2A स्विच में इसका कनेक्शन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी लग चुका है और सप्लाई ऑन करके इसका अभी लेवल मैं देख लूँगा एक बार कि ये सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये बोर्ड दिखाई दे रहा है और ये जो दो वायर है दोस्तों ये टैंक से आ रहा है, फ्लोट सेंसर वाल्व वाला वायर है। ठीक है, जो अभी ऊपर मैं कनेक्ट किया हूँ तो इसमें दो वायर दिखाई दे रहा है। एक जो है दोस्तों डायरेक्ट हो जाएगा, चाहे इसमें आप फेज दे दीजिए या सप्लाई दे दीजिए। एक वाले को दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे 2A में इस टर्मिनल में देना है। ठीक है, तभी ऑटो मोड हो जाएगा, मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। अभी दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो सॉकेट है इसमें मैं मोटर को लगाऊंगा इस तरह से। ये देखिए अभी मोटर को मैं लगा दिया हूँ और अभी इसमें यहाँ पे सबसे किनारे वाले में दोस्तों फेज डाला हूँ। यहाँ पे देखिए ये फेज सप्लाई है, ये देखिए ये फेज सप्लाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें एक को डायरेक्ट कर देना है।
ये फ्लोट सेंसर वाला वाल्व है, इसको डायरेक्ट फेज सप्लाई दे देना है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको, ये देखिए अभी मैं एक वायर को सिर्फ लगाया हूँ और एक को यहाँ पे खाली छोड़ा हूँ, ठीक है। तो अभी ये दोस्तों मैनुअल ही है, इसको मैं इस तरह से ऑन करूँगा तो ये मोटर ऑन हो जाएगा। ये देखिए मोटर ऑन हो गया, ठीक है। और अभी जो है इसको मैं यहाँ पे डालूँगा तब ये ऑटो मोड में चलने लगेगा। ये देखिए अभी मोटर ऑन हो गया है, ठीक है, ये ऑटो मोड में चल रहा है। इसको इस तरह से लगा देना है यहाँ पे, तो अभी देखिए दोस्तों ऑटो में कर दिया उसको मैं, और मोटर मेरा अभी ये ऑन है, ठीक है। और अभी ये काम नहीं करेगा जब तक ये टैंक फुल नहीं होगा, तब तक ये बंद नहीं होगा, ठीक है। तो जब टैंक पूरा फुल हो जाएगा उसके बाद ये ऑटो में बंद हो जाएगा, उसके बाद अगर आप मैनुअल चलाना चाहेंगे तो इसको मैनुअल कर देंगे तो ये चलने लगेगा। तो अभी चलिए दोस्तों टैंक में मैं दिखाता हूँ, टैंक में इसका लेवल मैं सेट करूँगा। तो देखिए दोस्तों अभी मैं टैंक के पास आ गया हूँ और ये टैंक जो है यहाँ पर देखिए पानी गिर रहा है, मोटर ऑन है, ये टैंक भर रहा है। और यहाँ पर मेरा ये रहा फ्लोट वाल्व, ठीक है। और अभी चलिए इसको मैं मैनुअली अपने हाथ से इसको ऊपर उठाता हूँ, तो देखिए ये सप्लाई बंद हो जाएगा क्योंकि ये मोटर जो है अभी ऑटो में चल रहा है दोस्तों। तो ये देखिए इसको मैं ऊपर करता हूँ, ये देखिए मैं इसको ऊपर किया हूँ और यहाँ पे पानी गिरना बंद हो गया, ठीक है। तो चलिए अब इसको मैं डाउन करता हूँ इस तरह से, ये देखिए इसको मैं इस तरह से छोड़ दिया हूँ तो ये ऑन हो गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ तक पानी भर चुका है दोस्तों, अब इसको पानी में भरने देता हूँ। जैसे जैसे पानी भरेगा ये फ्लोट वाल्व ऑटोमेटिक ऊपर आएगा और जब ऊपर आएगा तो ये मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो यही चीज़ जो है मुझे चेक करना है दोस्तों कि इसमें पानी कहाँ तक भर रहा है, ठीक है। मैं इसका लेवल यहाँ तक सेट किया हूँ ताकि जो है यहाँ तक पानी आए तो मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाए। अभी दोस्तों मैं थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ, इसको मैं पूरा भरने देता हूँ। तो देखिए दोस्तों अभी पानी इसमें यहाँ तक भर चुका है, ये देखिए मेरा फ्लोट वाल्व सेंसर यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे अभी ऊपर उठ रहा है, तो अभी मैं इसको देखता हूँ कि कहाँ पे ये बंद हो रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पानी पूरा भर चुका है, एकदम बिल्कुल भरने को है। तो अभी देखिए दोस्तों टैंक बिल्कुल भर चुका है और ये ऑटोमेटिक मोटर बंद हो चुका है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये फ्लोट वाल्व जो है देखिए इस तरह से ऊपर आ चुका है, और अगर मैं इसको हाथ से नीचे करता हूँ मैनुअल तो ये फिर चालू हो जाएगा। ये देखिए इसको मैं नीचे दबा दिया हूँ, ये देखिए, और उसके बाद इधर देखिए ये मोटर फिर से दोबारा चालू हो गया। फिर जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा ये फ्लोट वाल्व को, चलिए मैं इसको छोड़ता हूँ और ये मोटर देखिएगा बंद हो जाएगा। ये देखिए इसको मैं छोड़ दिया हूँ, ये देखिए ये ऊपर आ गया और इधर देखिए ये पानी गिरना इसमें बंद हो चुका, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है दोस्तों, पूरा ऑटोमेटिक रहता है। और अब देखिए दोस्तों इस कंडीशन में भी मेरा मोटर ऑटो मोड में है, ये टैंक फुल हो गया, मोटर मेरा बंद हो गया। तो अब इस कंडीशन में दोस्तों अगर आप इसको मैनुअल चलाना चाहते हैं मोटर को, तो नीचे जो स्विच दिया हूँ मैं टू वे स्विच, वहाँ पे मैं ऑटो मैनुअल बनाया हूँ, उस स्विच को मैनुअल पे कर देना है तो ये मोटर ऑन हो जाएगा। और ये फ्लोट वाल्व दोस्तों पूरा वाटरप्रूफ है, ये देखिए इसके अंदर पानी नहीं जाएगा और ना ही इसके अंदर पानी जाएगा, ठीक है। अगर इसके अंदर पानी जाता दोस्तों तो यहाँ से बबल बनते, लेकिन ये जो है पूरा वाटरप्रूफिंग है। ये जो वेट दिखाई दे रहा है दोस्तों पीला वाला, वेट में जो है दोस्तों पैकिंग दिया हुआ है रबर वाशर का, इसलिए उसके अंदर पानी नहीं जा सकता है। और ये जो है पूरा वाटरप्रूफ है, इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों अभी फेज सप्लाई आ रहा है, ठीक है, चाहे आप फेज दीजिए या न्यूट्रल दीजिए, लेकिन इसमें करंट दौड़ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो जब तक ये सही रहेगा, ये अगर टूटता नहीं है तो पानी में करंट नहीं उतरेगा, बिल्कुल सेफ है, ठीक है। तो इसको आप इंस्टॉल करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा वाटरप्रूफिंग रहता है, इसमें जो है पानी नहीं घुसेगा, काफ़ी अच्छा चीज़ है, पूरी मजबूती से बनाया गया है इसको। तो दोस्तों अभी टैंक फुल होकर मोटर बंद हो गया है ऑटोमेटिक मोड में, चलिए मैं एक बार मैनुअल चेक करके दिखा देता हूं आपको। तो देखिए दोस्तों ऑटो और मैनुअल स्विच मैं यहां पे लगाया हूं, अभी टैंक फुल हो चुका है ऑटो मोड में और ये मोटर बंद हो चुका है, ठीक है। अगर इसको मैनुअल में चलाना है तो फिर इसको इस तरह से ऑन करेंगे तो ये मैनुअल में चालू हो जाएगा,
चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ। ये देखिए मैं इसको यहाँ से ऑन किया हूँ मैनुअल में, और ये मोटर ऑन हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इसको मैं इस तरह से बंद कर देता हूँ। ये देखिए अभी ये ऑटो मोड में हो गया और ये बंद हो चुका है, ठीक है। अब अगर टैंक खाली होगा जैसे ही, तो ये मोटर ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों फ्लोट सेंसर वाल्व इंस्टॉलेशन का वीडियो पूरा हुआ। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए, इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का। और दोस्तों मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई करूंगा मैं। और दोस्तों आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। दोनों का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहां से डायरेक्ट ही दोस्तों इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे मेरे पहुंच जाएंगे। दोस्तों मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।